Hello friends, welcome back to my YouTube channel Studyship with Krati. In this video lesson, we are going to continue our fourth chapter of Political Science, Class 11 Ncert. Our chapter 4 name is Executive. हमने part first में discuss किए थे starting topics. Let's start with these topics. इस topic को दोबारा discuss करते हैं Parliamentary Executive in India. इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया कैसे किया जाता है, उसकी क्या पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है पीआर सिस्टम के द्वारा। आपने कभी सुना है कि कोई कह रहा है कि आज प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं और हम सभी को जो है वोटिंग के लिए जाना है? नो, हम पीएम के लिए तो वोट करते हैं बट प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्टली वोट करते हैं। मींस टू से हम जो है हमारे आसपास के जो एमएलएज हैं उनको वोट देते हैं, फिर जो है वो क्या कहते हैं एमएलएस और एमपीज जो होते हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोग मिलकर किसको वोट देते हैं? प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट को वोट भी इसी तरीके से होता है बट उसमें एमएलए जो होते हैं वो वोट नहीं देते, उसमें केवल एमपीज जो होते हैं वो वोट देते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो केवल वही वोट दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, वेयर एज इन प्रेसिडेंट एमएलएस एंड एमपीज जो है वोट देते हैं। अगर इन केस जो है प्रेसिडेंट को हटाना है उसकी पोजीशन से तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट जो रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही वो काम करता है। ये जो पॉलिसी है वो अपनाई गई है स्टेट लेवल पे भी नेशनल लेवल पे भी, यानी जो प्रेसिडेंट है वो काम करता है किसकी किसकी इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। अगर हम स्टेट पे बात करें जैसे कि प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट है, इसी तरह अगर हम स्टेट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर होते हैं और गवर्नर्स होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स भी इसीलिए होते हैं ताकि जो है एक कोई अपनी पावर सुपीरियर ना ले पाए, जैसे कि पीएम और प्रेसिडेंट है। पीएम और प्रेसिडेंट इसलिए बनाए गए हैं ना कि कोई जो है अपनी अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर पाए, कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी तरह से जो है चीफ मिनिस्टर और स्टेट वाइज होते हैं, सीएम होते हैं और गवर्नर्स बनाए गए हैं। नासी डिस्क्रिएशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हमने पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया टॉपिक में देखा कि क्या क्या पावर्स हैं, ज्यादातर वो एडवाइस पे ही काम करते हैं। दैट मीन्स जो प्रेसिडेंट है उसकी तो कोई पावर ही नहीं हुई, उसके पास कोई पावर्स ही नहीं है। एक्चुअली इट इज नॉट एज इट इज लुकिंग। नाउ सी कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, डोंट आप इसको नोट ऐसे नहीं कर कीजिए, इसको थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा। हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब प्रेसिडेंट के पास राइट है कि जो भी मैटर्स हो रहे हैं एंड मैटर्स एंड इशू कन्फ्रंटिंग द कंट्री प्रेसिडेंट शुड नो ऑल अबाउट दैम। कुछ भी हो रहा है देश में, जितने भी मैटर्स हो रहे हैं, जो भी कंट्री फेस कर रही है प्रॉब्लम, सारी चीजों के बारे में प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए, ये उसके पास राइट है। नाउ सेकेंड इज PM is obliged to furnish all the information. PM जो है उसका ये काम है, Prime Minister का ये काम है कि वो obliged है कि उसको जितनी भी information है वो किसको देगा? President को देगा। और President के पास ये भी है कि वो PM को अगर कुछ हो रहा है, किसी बात पे जो है कोई issue हो गया है country में, उसके बारे में discuss करना है तो वो write करके, letter write करके जो है PM के साथ consult कर सकते हैं। तो इसमें जो है कई सारे मुद्दों पे देखा होगा आपने कि जो पीएम है वो प्रेसिडेंट के पास कंसल्ट करने गए, उन दोनों की बातचीत हुई। कभी टीवी में भी आता रहता है कि नरेंद्र मोदी एंड मिलने गए हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से। नाउ सी प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट के पास एक और पावर होती है कि अगर कोई लॉ कोई बिल है जो वो जाता है किसके पास जाता है, बिल की बात नहीं, कोई एडवाइस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ भेजा कि ये जो है हमको ऐसा करना चाहिए, तो वो किसके पास भेजा? प्रेसिडेंट को ही, क्योंकि कोई भी लॉ बनता है सबसे पहले वो कंसिडरेशन के पास किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देगा तभी जो है वो लॉ बन सकता है, अदरवाइज वो नहीं बन सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो
अगर प्रेसिडेंट के पास कोई चीज जाती है, कोई रूल जाता है, कोई पॉलिसी जाती है, होगा वो उसको वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेज देता है। किसके लिए? कि आप उसको रिकंसीडर कीजिए, उसको फिर से देखिए कि ये सही है या नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट को लगा कि उसमें कोई मिस्टेक्स है तो उन्हें रिकंसीडर के लिए भेजा। ठीक है, ये पावर हुआ। बट इन केस अगर क्या हुआ, दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वही पॉलिसी, वही रूल जो है दोबारा भेज देते हैं किसके पास, वही एडवाइस जो है किसके पास भेज देते हैं, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास ये चांस है कि उसको जो है अब साइन करना पड़ेगा, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। कैन रिफ्यूज असेंट टू बिल पास बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से कोई बिल पास हुआ, बिल से मतलब है पहले वो बिल होता है, वो साइन, मतलब जब वो उसके ऊपर जो है लागू हो जाता है तब वो कानून बन जाता, कोई भी कानून बनने से पहले वो बिल रहता। ठीक है, तो बिल्स जो है अगर किसी पार्लियामेंट ने कोई बिल भेजा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो उसको रखे रहे, मतलब उसकी रखे रहे और फिर उसके बाद में भेज दे कि उसको बनाना है या नहीं। ये एक अनलिमिटेड पावर है प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि पार्लियामेंट अगर कोई भी बिल भेजती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि उसको इतने टाइम में जो है ये बिल भेजना ही है पार्लियामेंट में वापस, कोई टाइम लिमिट नहीं है, चाहे जितने देर के लिए रख सकते हैं। ऐसा ही हमें केस देखने को मिलता है करीब 1986 में। क्या हुआ था, प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम के वो थे ज्ञानी जेल से, पार्लियामेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, पार्लियामेंट ने जो है एक बिल भेजा था किसके पास, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे 1986 में ज्ञानी जेल सिंह, उनके पास भेजा था वो बिल। उन्होंने क्या किया, उसको रख लिया, मतलब उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं बताया। जब फिर इतना टाइम हो गया कि दूसरे प्रेसिडेंट आए थे आई थिंक वेंकटन रमन, वो नए प्रेसिडेंट आ गए। जब उन्होंने उस बिल को देखा तो उन्होंने उस बिल को रिकंसीडर करने के लिए दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेज दिया। बट जब तक उन्होंने ये भेजा, जब तक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे यानी गवर्नमेंट थी जो पार्लियामेंट, वो चेंज हो चुकी थी और दूसरे जो है मिनिस्टर्स आ चुके थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इस केस से हमें क्या पता चलता है कि ये अनलिमिटेड पावर है प्रेसिडेंट के पास। किस तरह से जो बिल है वो लॉ बन ही नहीं पाया, कोई इफेक्टिव रहा ही नहीं वो बिल। कैन चूज पीएम। अगर एक आप केस देखें 1989 to 1998, नो पार्टी गेट मेजोरिटी इन लोकसभा। लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए 1989 से लेकर 1999 तक, ये करीब 4 times इंक्लूड है इसमें, 4 बार जो है किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली लोकसभा में। अब जब मेजोरिटी नहीं मिली, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी यानी गठबंधन।